खराबी के कारण भीषण गर्मी में जनता बिजली पानी के संकट से जूझ रही है। इसके लिए पार्टी के प्रदेश व्यापी आह्वान पर भाजपा जिला अध्यक्ष नंद किशोर पाटीदार के नेतृत्व में भाजपा जिला देवास द्वारा लालटेन यात्रा निकाली गई। भाजपा जिला प्रवक्ता शंभू अग्रवाल ने बताया कि यात्रा में कार्यकर्ता लालटेन व चिमनी हाथ में लेकर प्रदेश सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। यात्रा के समापन पर भाजपा जिला अध्यक्ष नंद किशोर पाटीदार ने कहा कि बिजली कटौती से प्रदेश के हालात बेहद खराब है। कांग्रेस सरकार पानी और बिजली जैसी समस्याओं पर भी अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय कभी अधिकारियों को कोसती है तो कभी बिजली उपकरणों की गुणवत्ता पर प्रश्न खड़े करती है, जबकि इन्हीं बिजली उपकरणों के द्वारा पिछले 15 सालों से मध्य प्रदेश में निर्बोध बिजली की आपूर्ति की जा रही है। इस अवसर पर विधायक गायत्री राजे पवार, महापौर सुभाष शर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बहादुर मुकाती, राय सिंह सेंधव सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे।